हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस डिज़ीज़ के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे सपोर्ट करें। वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ कोरोना वायरस डिज़ीज़? ये एक नई बीमारी है जो साउथ एशियन कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रही है। ये एक टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कहने का मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ईजीली स्प्रेड कर सकती है। इसको कॉज करने वाला जो एजेंट है वो एक नया टाइप का वायरस है जो कभी भी ह्यूमन बॉडी में पाया नहीं गया है। इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि ये बीमारी किस तरीके से और कैसे होती है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस डिजीज़ के बारे में। तो कोरोना वायरस डिज़ीज़ जो है वो रेस्पिरेटरी इलनेस करती है, कहने का मतलब हमें सांस लेने में इससे तकलीफ़ हो सकती है अगर हमारे अंदर कोरोना वायरस आ चुका है तो। इसके अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखते हैं इसके इनिशियल स्टेजेस के अंदर, जिसमें रनी नोज, सोर थ्रोट, कफ, फीवर, जनरलाइज बॉडी एक एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। जैसे जैसे इसकी स्टेज बढ़ती चली जाती है वैसे ये निमोनिया और अदर रेस्पिरेटरी डिजीज़ के जो सिम्टम्स है उसको ओवरटेक भी कर सकता है। बहुत रेयरली ये डिज़ीज़ फेटल हो जाती है। ये देखा गया है जिन लोगों को पहले से अस्थमा की बीमारी है, डायबिटीज़ है या फिर कोई भी दिल की बीमारी है, या फिर उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो उन लोगों के अंदर इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग और बहुत जल्दी सिम्टम्स शो करती है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस डिज़ीज़ के बारे में। सो प्रेजेंटली कोई एक वैक्सीन भी नहीं इशू करी गई है WHO के अकॉर्डिंग जो कि कोरोना वायरस डिज़ीज़ को रोक सके या उसे प्रिवेंट कर सके। हम सिर्फ इसका प्रिवेंशन कुछ नॉर्मल स्टेप्स से कर सकते हैं, जैसे रोज़ अपने हाथ धोना, सैनिटेशन को प्रॉपर मेंटेन रखना, अपनी नोज़ और अपने माउथ को कवर करना, चाहे आपको स्नीजिंग आ रही है, कफ है या सामने वाले को कफ है उससे बचने के लिए भी आपको मास्क लगाना चाहिए। तीसरा, अगर किसी पेशेंट को या फिर आपको पता है कोई ऐसा है जिसको कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। साथ ही अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं या फिर किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो ट्राई करें, अगर किसी को कोल्ड या फिर फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो उनसे 1 से 3 फीट की दूरी बना के रखें। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस डिज़ीज़ के बारे में। तो जैसा ही मैं आपको पहले बता चुका हूँ, WHO के अकॉर्डिंग कोई भी लेट टेस्ट या फिर स्पेसिफिक मेडिसिन इसके लिए प्रिस्क्राइब नहीं की गई है अभी तक। कोई भी वैक्सीनेशन नहीं आई है और ना ही कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इस वक्त तक डिसाइड हो पाया है। सपोर्टिव केयर दी जा रही है पेशेंट को जो कि सस्पेक्टेड है विद कोरोना वायरस डिजीज़, जिसके अंदर उनको जो उनके सिम्टोमेटिक्स हैं जैसे उनको कोल्ड है, कफ है, तो उसके लिए मेडिसिन दी जा रही हैं, एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं। साथ में उनको ये रिकमेंड किया जा रहा है कि आप रेगुलर डे टू डे की एक्टिविटीज़ कम करें, स्लीप ज़्यादा लें, अपना एनवायरनमेंट को कोजी और वार्म बनाएं, रोज़ ज़्यादा लिक्विड इनटेक करें और अपने रूम के अंदर एक ह्यूमिडिफायर लगा लें जिससे कि आपका सोर थ्रोट और कफ जैसी जो सिम्टम्स हैं वो ईज आउट हो जाएं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक्स बताएं जिस पे आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।